हेलो एवरीवन, मैं हूं दिशा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने चैनल दिशा के किचन में। सब फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत सॉरी बोलना चाहती हूं क्योंकि बहुत दिनों से मैं दिशा के किचन में अपने चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। किसी वजह से, वजह ये थी कि मेरे घर में रिसेंटली एक नन्ही परी आई है, मैं माँ बन चुकी हूँ, इसलिए मैं काम नहीं कर पा रही थी अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा टेस्टी पास्ता की रेसिपी। मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी पास्ता की रेसिपी को शेयर किया हुआ है, लेकिन मैं आज बिल्कुल ही अलग तरीके की रेसिपी लेकर के आई हूँ। तरीका आज मेरा थोड़ा अलग होने वाला है, लेकिन टेस्ट उससे भी बेहतर आने वाला है पास्ता, इस पास्ता में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ प्रेशर कुकर में पास्ता, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत ज़्यादा एकदम क्रीमी पास्ता हमारा बन करके तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिएगा, बहुत इजी रेसिपी है, एकदम क्विक बना करके आज हम पास्ता को तैयार करेंगे प्रेशर कुकर में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिए हैं प्याज, मैंने लिए थे तीन प्याज। तीन प्याज को मैंने अच्छे से बारीक काट लिया है, अच्छे से हमें एकदम बारीक प्याज को काट लेना है। और हरी मिर्ची ली है मैंने दो, और हरी मिर्ची को और टमाटर को हमें एक साथ काट लेना है। टमाटर को भी हमें एकदम बारीक काट लेना है, सारी चीज़ों को हमें बारीक काट लेना है क्योंकि थोड़े खड़े खड़े मसाले अच्छे नहीं लगते पास्ता में। तो इस तरीके से मैंने देखिए प्याज को एकदम बारीक बारीक चॉप कर लिया है, और टमाटर और हरी मिर्च को भी हम इस तरीके से चॉप कर लेंगे अब इस। और फ्रेंड्स, मैंने अपने इसी चैनल पे पास्ता की रेसिपी शेयर की हुई है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने मेरा पास्ता का वीडियो इतना पसंद किया, आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप मेरे इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें ताकि मैं अपने सारे वीडियोस मेरे वीडियोस आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेशर कुकर में पास्ता बनाना। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर को चढ़ा दिया गैस के ऊपर, उसमें डाल दिया है मैंने ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप बटर में भी बना सकते हैं, घी में भी बना सकते हैं, रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, और किसी किसी को सरसों का ऑयल पसंद होता है तो आप सरसों का तेल भी बना सकते हैं। तो ऑयल गर्म होने के बाद मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें मैंने डाल दिया था आधा चम्मच जीरा, और फाइन कप कटा हुआ दो से तीन प्याज थे उसको मैंने डाल दिया। बिल्कुल हल्की आँच पर हमें इसको भून लेना है, आप तेज़ आँच पर भी भून सकते हैं, लेकिन लगातार चलाते हुए हमें भूनना है ताकि हमारी प्याज जले ना। लगातार चलाते हुए आप उसको हाई फ्लेम पे भी भून सकते हैं, और प्याज को सुनहरा भूनने के बाद अच्छे से उस प्याज को भून लेना है ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए हमारे पास्ता में बढ़िया सा। कच्ची प्याज रहेगी तो टेस्ट नहीं आएगा। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है टमाटर और हरी मिर्च जो मैंने बारीक कट के रखे हुए थे, और टमाटर को गलाने के लिए मैंने डाल दिया यहाँ पर दो छोटे चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर दो छोटे चम्मच का यूज़ किया है नमक का, क्योंकि मैं यहाँ पे बना रही हूँ मैक्रोनी कम से कम चार से पाँच लोगों के लिए, तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसी क्वांटिटी के साथ कम कम भी बना सकते हैं, जैसे मैं बता रही हूँ उसी के हिसाब से आप लोग कम डाल लेना। और इसमें अब मैंने डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, और थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर और हल्दी पाउडर। तो एक मीडियम साइज़ की चम्मच से मैंने नाप के इसमें डाले हैं सारे मसाले, और मसालों को टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारे मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है, और गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है ताकि मसाले हमारे जले ना। और यहाँ पे मैंने लिया है ये वाला पास्ता। पास्ता कई तरीके के आते हैं, आपको कौन सा वाला पास्ता खाना पसंद है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मैंने ये वाला पास्ता ले लिया है, और जो अभी मैंने आपको कटोरी दिखाई है उस वाली कटोरी से मैंने नाप कर लिया है, ये तीन कटोरी पास्ता है। और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आप बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा जूसी हमारा पास्ता बन करके तैयार होगा इस तरीके से बनाओगे तो। यकीन मानिए आपके लोग तारीफ़ें करते थकेंगे नहीं, इतना टेस्टी पास्ता बन करके तैयार होगा। और कोई बैचलर भी इसको आराम से बना सकते हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स जो लोग हॉस्टल में रहते हैं वो लोग। बहुत आसान रेसिपी मैं आपके लिए शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली किसी भी चीज़ में। परफेक्ट तरीके से आप बना करके पास्ता तैयार हो जाएगा आपका पास्ता, और आप लोग इन्जॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें पास्ता डाल दिया सारे मसालों में, और पास्ता को भी मैंने सारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करके ढककर के रख दिया था एक मिनट के लिए ताकि अच्छा सा फ्लेवर पास्ता के अंदर तक घुस जाए, इसलिए मैंने ढककर के पास्ता को मसालों के साथ छोड़ दिया था। अब इसमें मैं कर दूँगी ऐड पानी। पानी मैंने जिस कटोरी से पास्ता लिया था, तीन कटोरी मैंने पास्ता लिया था इसी वाली कटोरी से, और इसी वाली कटोरी से नाप करके मैंने डाल दिया इसमें तीन कटोरी पानी। आपको फ्रेंड्स एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये वाले जो पास्ता होते हैं ये ज़्यादा फूलते नहीं है, जैसे वो वाले मेरा मैंने एक वीडियो बनाई है उस वाले पास्ता में मैंने आपको दिखाया सारी चीज़ें डिटेल में
कि वो पास्ता कितना अच्छे से अपना मतलब अपने आप से दोगुना बड़ा हो जाता है, लेकिन ये पास्ता इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ये ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो फ्रेंड्स आप ध्यान से इसमें पानी डालिएगा, थोड़ा कम ही डालना लेकिन ज़्यादा पानी ना हो जाए, इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि फिर एकदम से ना गीला गीला सा बनता है पास्ता, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। अब इसमें मैंने डाल दी है आधा चम्मच कसूरी मेथी, ये कसूरी मेथी है, आप इसमें धनिया का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे कसूरी मेथी का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने थोड़ी सी इसमें आधा चम्मच के बराबर कसूरी मेथी डाल दी है। और ढक्कन बंद कर दे कुकर का, और गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो रखा हुआ है। फ्रेंड्स कम आँच पर हमें कुकर में एक चीज लगा लेनी, इससे ज़्यादा नहीं लगानी, नहीं तो हमारा पास्ता एकदम ख़राब हो जाएगा, टेस्ट भी अच्छा नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स और अपने आप ही गैस को निकलने देना है, कुकर की गैस को खोलना नहीं है हमें, अपने आप निकलने देना, गैस ठंडा होने देना कुकर को, फिर निकाल लेना पास्ता को। देखिए कितना टेम्पटिंग और कितना जूसी हमारा पास्ता बन करके तैयार हुआ है, यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आप लोग बना करके देखिएगा, ट्राई आप ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और ईजी मैंने आपके साथ आज ये रेसिपी शेयर की है। तो ये लीजिए हमारा पास्ता बन करके तैयार है, आप लोग भी टेस्ट कर लीजिए कैसा है बताइए, और अपने अपने घरों में आप लोग भी बनाइए, बहुत ईजी मैं आपके लिए ऐसी रेसिपीज लेकर के आती रहती हूँ। देखिए कितना जूसी और कितना टेम्पटिंग है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर मेरी ये वीडियो आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रही हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। थैंक